नमस्कार दोस्तों, वीनू किचन में आपका स्वागत है। गर्मी में जब भी 4 बजे भूख लगती है तो क्या बनाएं हम सोचते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता। और ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और जल्दी भी बन जाए, गर्मी भी ना लगे, हमें ज्यादा देर किचन में भी नहीं रहना पड़े। तो आज मैं ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, बेल चाट की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो इतनी लाजवाब है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे और खुद भी खुश हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेल चाट बनाने के लिए लिया है मैंने ये बड़ा सा बर्तन में मुरमुरा डाल लिया है। आप इसके लिए बड़ा बर्तन ही लें ताकि मिक्स करने में हमें आसानी रहे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियां और मसाले। बेल चाट को बनाने के लिए हमें गैस चलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसको तो हम रूम में बैठ के भी बना सकते हैं। 1 कटोरी प्याज बारीक कटे हुए, 1 कटोरी बारीक कटे हुए खीरे, 1 कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर, 1/2 कटोरी कच्ची केरी कटी हुई, बारीक बारीक काट लेंगे इसको भी। इससे बेल चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और अब गर्मियों में तो खूब केरियां मिलती हैं, तो आप इसमें जरूर ऐड करना। 1 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च वह अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, नमक भी आप थोड़ा ही ऐड करें इसमें क्योंकि मुरमुरों में भी नमक आता है और नमकीन जो हम डालेंगे उसमें भी नमक आता है, चटनी हम डालेंगे उसमें भी नमक है, तो उस हिसाब से आप नमक थोड़ा कम ही ऐड करें। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी आलू भुजिया। आलू भुजिया की जगह आप कोई भी, जैसे चीड़ा नमकीन है या फिर बेसन नमकीन है, कोई सी भी नमकीन जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है वो इसमें ऐड कर सकते हो। और एक बार और अच्छे से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मेरी पुदीना और धनिया की है, आप चाहो तो धनिया टमाटर की भी ऐड कर सकते हो, धनिया पुदीना की भी ऐड कर सकते हो, जो भी ग्रीन चटनी आप पसंद करते हो वो इसमें डाल सकते हो। और 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छी बेल चाट बन के तैयार हुई है। आप एक बार जरूर बनाना इसको, बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे इसको देख के। और गर्मियों में सबसे अच्छी है ये रेसिपी, बनाने में भी टाइम नहीं लगता और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।